हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि अभी रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न में हमें कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है, तो चलिए आज हम बनाते हैं राज कचौरी। ये राजस्थान का फेमस डिश है, तो इसके लिए मैंने लिया है ब्लैक चना और अक्खा मूंग जो है उसे मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था और अब इसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा सॉल्ट इसमें मैंने ऐड किया है। इसे आप स्टीम भी कर सकते हैं या हल्का इसे बॉईल करना है जैसे कि ये कुक हो जाए। अब यहाँ मैंने लिया है 3 कप ऑफ मैदा एंड एक बारीक सूजी जो होती है वो मैंने यहाँ 1 कप है। 1/4 TSP यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा लिया है एंड 1/4 TSP सॉल्ट लिया है। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है और इसे अच्छे से मैंने मिक्स करके पहले इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए कि सारे आटे में वो अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और एक हार्ड डो हमें प्रिपेयर करना है। ज़्यादा सॉफ्ट हमें नहीं बनाना है, हार्ड डो हमें चाहिए। तो जैसे कि हमारे जो कचौरी है, कचौरी की जो हम बेसिकली पूरी इसमें तैयार करते हैं, तो वो पूरी हमारी अच्छी हार्ड बने, क्रिस्पी बने। तो अच्छे से मैं ये मल लूँगी। यहाँ पे हम सूजी इसलिए यूज़ करते हैं, सूजी भी इस हमारी जो पूरी है उसको। आप इसमें हाफ गेहूं का आटा और हाफ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं एंड 1/4 पार्ट ऑफ सूजी यूज़ करना है। तो ये हमारा डो प्रिपेयर है। अब इसे 20 मिनट्स के लिए हम सेट होने देंगे और उसके बाद एक बार फिर से हमें इसे अच्छी तरीके से मल लेना है। थोड़ा सा मैंने हाथ में पानी लगा लिया है और फिर से इसे अच्छे से मैं मिक्स बाइंड कर लूँगी। इस टाइप से सॉफ्ट कर लीजिए थोड़ा और अब हमारा डो सॉफ्ट हो गया है। अब हम छोटी छोटी बॉल लेंगे, लेमन साइज से थोड़ी बड़ी, जैसे हम पूरी के लिए लोई लेते हैं उतनी बड़ी हमें यहाँ पे बॉल्स लेनी है और उसे रोल कर लेना है पूरी साइज़ का, या पूरी से थोड़ा बड़ा भी आप ले सकते हैं। तो इस टाइप से हम इसे रोल कर लेंगे और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो पहले आप 3-4 ऐसे रोल करके रेडी कर लीजिए और फिर आप ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे और उसमें हमें इसे फ्राई करना है। तो बस मैं पहले सारे बेल लेती हूँ, कुछ 5-6 सेट इसके रेडी कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही इजी होता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। तो आप बना सकते हैं, ये रॉयल रेसिपी है। तो पहले सबसे पहले मैं चेक कर लूँगी कि ऑयल प्रॉपरली गर्म हुआ है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा बॉल डाल के चेक कर लिया है, ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब यहाँ पे मैं एक पूरी डाल दूँगी और इसे इस टाइप से प्रेशर देते हुए ऊपर से जैसे आप डालेंगे, उसके बाद हल्का हल्का हमें प्रेशर देना है ऊपर से और ऊपर से उसमें गर्म ऑयल आपको डालते जाना है और ये देखो ऐसे फूल जाएगी। फिर उसे टर्न कर लेना है और दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन होते तक इसे अच्छे से सेकना है। ऊपर आप ऑयल डालते जाइए और हल्का प्रेशर हमें देना है। तो ये आपका, अब हमें फ्लेम थोड़ा लो कर लेना है। स्टार्टिंग में डालने के टाइम में हमें फ्लेम हाई रखनी है और बाद में हमें लो करके इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए इसे पकने देना है ताकि ये अच्छा क्रंची आ जाए। तो ये अब लो फ्लेम में पक रहा है, जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता हम इस टाइप से फ्लिप करके इसे पकाते जाएंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, मैं इसे निकाल रही हूँ। इसी टाइप से हम सारी जो हैं कचौड़ियाँ ये फ्राई करके निकाल लेंगे। बेसिकली ये पूड़ी ही होती है जो ज़्यादा क्रिस्पी होती है और फूली हुई होती है, इसलिए इसे राज कचौड़ी का नाम दिया गया है। और इसमें स्टफिंग होती है बहुत सारी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टफिंग का प्रोसेस। तो सारी यहाँ पे पूरियाँ अब मैंने फ्राई कर ली है, बहुत ही क्रिस्पी और फूली हुई बनी है ये। तो उसमें से एक पूरी मैं यहाँ पे लेती हूँ, इसे इस टाइप से हम बीच में से होल कर देंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ बॉयल्ड पोटैटोज़,
जो मैंने हल्का नमक डाल के बॉईल किया था, तो ये सॉल्टेड है। और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ जो काले चने और मूंग हैं बॉईल वाले। और अब डालूँगी ऑनियन बारीक चॉप कटा हुआ, दही यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और हरी मिर्ची धनिया की ये मैं हरी चटनी यहाँ पे डाल रही हूँ। अब इसमें मैं हल्का सा सॉल्ट स्प्रिंकल करूँगी। और अब इसमें हमें डालना है चाट मसाला, और यहाँ रोस्टेड जीरा पाउडर अब जाएगा, और इसके बाद हमें डालना है रेड चिली पाउडर। तो ये हमारे पाउडर सारे डल गए हैं, पाउडर मसाले। अब हम डाल रहे हैं यहाँ अनार, तो अनार दाना यहाँ पे डालते हैं, इसमें बहुत अच्छा क्रंच और टेस्ट आता है। अब ये जो प्लेन सेव होती है बारीक वाली, वो मैं यहाँ डाल रही हूँ, और हरा धनिया ऊपर से डाल रही हूँ। और अब ये आएगा दही ऊपर से। अब दही और इमली और जो खजूर की चटनी है वो यहाँ जाएगा ऊपर से। तो आप अगर ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो ये चीज़ आप ज़्यादा डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।